सुबह उठते हो और रोज सोचते हो कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, आज क्या खाएं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं पोहे की स्वादिष्ट रेसिपी। पोहा काफी हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। चाय के साथ पोहा काफी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले पोहे का प्रीकैप देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे पोहे की पूरी रेसिपी। बताने जा रहे हैं पोहा बनाने के लिए। सबसे पहले एक कटोरा हमने पोहा ले लिया है, आधी कटोरी हरे कच्चे मटर हमने ले लिए हैं, दो कटे हुए प्याज हमने लिए हैं, एक हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी अदरक और दो हमने लिए हैं टमाटर, थोड़ा सा हमने धनिया भी रखा है और एक नींबू। उसके बाद हमें दो से ढाई चम्मच तेल लिए हैं, हमने काली मिर्च भी ली है, धनिया पाउडर भी लिया है, राई भी ली है और राई भी रखी है, लाल मिर्च भी है और हमारे पास गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और नमक है। सबसे पहले हमें धो लेने हैं पोहे। पोहे धोने के लिए हम इसे एक बड़े से कटोरे में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ पानी। पोहे को 2 से 3 बार आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं। देखिए हमने पोहों को बहुत ही अच्छे से धो लिए हैं। इसके बाद हम इसे डाल देंगे छलनी में ताकि इसका पूरा पानी सोख जाए और ये सूखे सूखे हो जाए, क्योंकि अगर ये गीले रह गए तो ये चिपक जाएंगे और हमें इसे चिपकने नहीं देना है। दोस्तों अब हम करते हैं अपना गैस ऑन। उसके बाद हम डालते हैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच तेल। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई। हमारी राई थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, इसीलिए हम इसमें डाल रहे हैं कच्चे प्याज जो हमने 2 कटे हुए प्याज ले रखे हैं। उसके बाद हम अपनी हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा घुमाना शुरू करते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे अपना आधा कटोरा हरे मटर। हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। बीच में हमें पोहों को भी थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से हिला देना है ताकि ये चिपके नहीं। देखिए हमारे प्याज और मटर दोनों अब ब्राउन हो चुके हैं, इसीलिए अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। उसके बाद हम इसे घुमाना शुरू करते हैं फ्रिज से। ध्यान रहे दोस्तों ये चिपके नहीं, इसको अच्छे से घुमाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें मिला देते हैं 1 चम्मच नमक। ताकि मटर और प्याज इसमें अच्छे से गल जाए। अब दोस्तों हल्का सा हम इसमें डाल देंगे पानी और उसके बाद हम इसको घुमाएंगे और हम डाल देंगे इसके ऊपर प्लेट ताकि ये अच्छे से और ज़्यादा गल सके। दोस्तों तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे ये मटर और प्याज क्या अच्छे से गल गए हैं। देखिए इनका काफी अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें मिला देते हैं अपने सारे मसाले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें मिलाते हैं 1/2 चम्मच हल्दी। उसके बाद हम मिलाते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च। उसके बाद हम मिलाते हैं इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला।
उसके बाद हम मिलाते हैं एक बड़ा सा हरा धनिया पाउडर चम्मच। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें मिला देंगे काली मिर्च। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको फिर से घुमाएंगे और एक बार फिर से हम इसके ऊपर प्लेट रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल सके। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट तक रख लिया है। अब देखते हैं कि क्या ये अच्छे से गल गए हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने पोहे। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक देना है ताकि ये अच्छे से स्टीम ले सके और इसका अच्छे से कलर आ सके। अब हमारा शायद कलर आ गया हो। तो अब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या कलर आ गया है। देखिए इसका काफी खूबसूरती से कलर आया है। अगर आप चाहे तो इसे बीच बीच में भी घुमा सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। हमारे पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें धनिया मिला दिया है। अब हम इसमें नींबू मिला देते हैं। हमारे पोहे बनकर अब रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पोहे की रेसिपी, प्लीज हमें कमेंट करिए। और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए, प्लीज हमें कमेंट करिए। और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।